लोग शेव करते हैं तो उनकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है, उन्हें अक्सर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं या ब्रूसेस हो जाते हैं, यहाँ तक कि कट्स भी हो जाते हैं। इसकी इरिटेशन और बर्निंग सेंसेशन को कम करने के लिए वो आफ्टर शेव का यूज़ करते हैं, और कई बार वो आफ्टर शेव उनकी स्किन के साथ में रिएक्ट करता है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आज का जो हमारा टिप है बहुत ही सिंपल है और इसे डेली आप अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा हनी, वार्म वाटर, मिल्क, ओटमील। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। आफ्टर शेविंग आप एक बोल लीजिए, उसमें हनी को पोर कीजिए, इसे एक ब्रश की मदद से या फिर हाथों की मदद से आप अपने स्किन पे लगा लीजिए। इससे क्या है, आपका अगर इरिटेशन या बर्निंग सेंसेशन होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। एज यू ऑल नो, हनी इज फुल ऑफ मॉइस्चर, जिससे आपकी स्किन को मॉइस्चर मिलेगा। ब्लिस्टर्स अगर हो रहे हैं या फिर ओपन पोर्स अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। यही नहीं फ्रेंड्स, आप जब हनी लगाते हैं उसे आप करीब 5 मिनट्स तक अपने स्किन पर रहने दें टू रिड्यूस द बर्निंग सेंसेशन। इसके बाद में गर्म पानी की मदद से आप अपने चेहरे को धो लें। अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है रेगुलर शेविंग प्रोसीजर की वजह से और आपको ओपन पोर की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तब आप ओटमील लीजिए। ओटमील को आप ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर लीजिए। अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है तो आप मिल्क की जगह क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी स्किन के अंदर सप्लनेस रहे, उसमें प्रॉपर मॉइस्चराइज़र मिले, और साथ ही साथ अगर ड्राइनेस की वजह से आपको रिंकल का प्रॉब्लम हो या फिर आगे जाके एजिंग दिखाई दे रही है तो इट विल रियली हेल्प यू आउट। अब इसमें हम मिल्क डालेंगे। याद रखिए, हमें इसका एक काफ़ी स्मूथ थिक पेस्ट बनाना है। आप देख सकते हैं एक स्मूथ पेस्ट बन चुका है। इस पेस्ट को आप किसी ब्रश की मदद से या हाथों की मदद से अपने चेहरे पे लगा लें और करीब 20 मिनट्स तक वेट करें। 20 मिनट्स के बाद आप अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें और वाइप कर लें। आज जो हमने ओटमील का फेस पैक बनाया, ये आपकी स्किन में ओपन पोर्स का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेगा। और अक्सर देखा जाता है कि रेगुलर शेविंग की वजह से ओपन पोर्स मेन में काफ़ी कॉमन होते हैं। अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो आप हफ्ते में 2 या 3 बार इस पैक को यूज़ कर सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।